गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स कक्षा 8 के हैं, आज उनका जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसकी आंसर की पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका कम्प्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और कल जो सैम्पल पेपर अपलोड किया गया था, वही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिले। तो प्रश्न नंबर एक हमारे पास ये है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा राइट आंसर। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है किण्वन। ये हमने आपको सैंपल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन बताया था। निम्न में से कौन सा एक सिंचाई का साधन नहीं है, तो समुद्र वो एक सिंचाई का साधन नहीं है। प्रश्न नंबर चार, निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है, 2,4-DDT, BHC और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर पाँच, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये की थी एडवर्ड जर्नर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर छः, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए, तो जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण क्या रहेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि गैस दहन में कौन सहायक होता है, तो वो होती है ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर सात का उत्तर रहेगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर आठ, विटामिन कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो ये है असत्य। प्रश्न नंबर नौ, समझाइए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर दस, कोक के उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर तीन पंक्तियां लिखिए। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही ब्रेड एवं केक बनाने में होता है। सूक्ष्म जीवों से अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तु औषधि तैयार की जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे पास कक्षा 8 का विज्ञान विषय का आज जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन था। अन्य अपडेट पाने के लिए कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।